गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोग क्लास कौन सा है इनके दिए और सब्जेक्ट क्या आप लोगों का? मैथ। कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों का? मैथ। तो चलिए आप लोग बुक पेंसिल इरेजर नोटबुक निकाल लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। फटाफट बैग से बाहर निकालिए नोटबुक पेंसिल इरेजर। आप लोगों ने निकाल लिया? चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लार्जेस्ट नंबर को सर्किल करना सीखा था। कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ने बनाया होगा। तो चलिए, अभी मैं चेक तो नहीं कर सकती, आप लोग उम्मीद करते अच्छे से बनाए होंगे, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए, आज हम लोग काउंटिंग का रिविजन करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने काउंटिंग का रिविजन नहीं किया, बहुत जरूरी चीज़ है काउंटिंग, आप लोग भूल जाओ कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए, आज हम लोग काउंटिंग सीखेंगे। आप सभी बच्चों को काउंटिंग लिखना आ ही रहा आता ही है, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्वेश्चन आप लोगों का, राइट काउंटिंग वन टू हंड्रेड। आप लोगों को 100 तक काउंटिंग लिखना है। तो चलिए, आप लोग नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो काउंटिंग में आप लोगों को पता ही है सबसे पहले क्या होगा, वन। वन के बाद क्या होता है? टू। टू के बाद क्या होता है? थ्री। थ्री के बाद फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन के बाद क्या होगा? एट, नाइन, टेन। टेन तक तो सभी को अच्छे से आता ही होगा। तो चलिए, टेन तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो टेन के बाद क्या होता है बताइए आप लोग? टेन के बाद काउंटिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? वन वन इलेवन। वन वन इलेवन। वन वन इलेवन के बाद होता है वन टू ट्वेल्व। वन थ्री थर्टीन। वन फोर फोर्टीन। वन फाइव फिफ्टीन। वन फाइव फिफ्टीन के बाद वन सिक्स सिक्सटीन। वन सेवन सेवेंटीन। वन एट एटीन। वन नाइन नाइनटीन। एंड टू जीरो ट्वेंटी। तो चलिए, पहले से आप लोग रीड कर मैं रीड करवा देती हूँ, फिर आगे हम लोग लिखेंगे। तो क्या होगा? वन 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 से स्टार्ट कर देते हैं। पढ़िए, आप लोग साथ साथ रीड कीजिए। पढ़िए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन वन इलेवन। वन टू ट्वेल्व। वन थ्री थर्टीन। वन फोर फोर्टीन। वन फाइव फिफ्टीन। वन सिक्स सिक्सटीन। वन सेवन सेवेंटीन। वन एट एटीन। वन नाइन नाइनटीन। टू जीरो ट्वेंटी। आप लोग डटने की जरूरत है, समझ के पढ़ना। यहाँ देखिए, वन है तो वन, और वन है तो वन। वन वन इलेवन। इसी तरह मान लीजिए डायरेक्ट आपको कोई बोल दे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? ध्यान देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है और जीरो लिखा हुआ है। टू जीरो क्या होता है? ट्वेंटी होता है। तो हमें देख के समझ के बोलना है, ये नहीं कि रख लिए तो पूछा तो नहीं आ रहा है। या अगर कोई बीस से पूछ दे ये क्या लिखा होता है, आपको कैसे याद देखिए? वन लिखा हुआ वन, और यहाँ फाइव है तो वन फाइव फिफ्टीन। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। ट्वेंटी के बाद क्या होगा? टू वन ट्वेंटी वन। टू टू ट्वेंटी टू।
23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. चलिए आप लोगों ने यहाँ तक लिखा, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। 30 के बाद क्या होगा? 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34। आप लोगों को नोटबुक में बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में एक एक लाइन छोड़कर आप लोग लिखे, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं छोटा छोटा कर लिख रही हूँ। आप लोगों के नोटबुक में जगह रहता है तो आप लोग एक एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा, ठीक है? 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 40 के बाद क्या होगा? 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50। चलिए 50 तक तो हम लोगों ने काउंटिंग लिख लिया, पहले अब हम लोग इसे रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे लिखेंगे। तो हम लोग 20 तक रीड कर चुके हैं, तो 21 से हम लोग अब रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पहले 50 तक कंप्लीट कर लीजिए काउंटिंग, लिखना लिख लीजिए, फिर हम लोग रीड करेंगे, फिर आगे 51 से आगे लिखेंगे। तो चलिए आप लोग जिन बच्चों का बचा हुआ वो पहले लिख लें। देखिए यहाँ 20 तक हम लोगों ने रीड कर लिया, तो 21 से करेंगे। 21, 21, आप लोग भी साथ साथ रीड कीजिए। 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, आप लोग साथ साथ रीड करते रहिए। 47, 47, 48 क्या होगा? 48, 49, 49, 50, 50। चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं। 50, 50 के बाद क्या हो जाएगा? 51, 51, 52, 52, 53, 53, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए और रीड करते भी चलिए। 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, इसके बाद क्या हो जाएगा? 59, 59, 60, 60, 59 क्या होगा? 59, 60, 60, यहाँ तक कम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 60 के बाद क्या होगा। 60 तक तो हो चुका है, इसके बाद क्या होगा? 61, 61। अब हम लोग साथ साथ ही रीड कर रहे हैं, तो फिर बाद में रीड करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68,
खत्म हो गया और आप लोग नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए लिखना। चलिए 70 तक तो हो गया, 70 के बाद क्या होगा आप लोग ध्यान दिए होंगे, आप लोग या 70 या 60 तक, कुछ बच्चों का 60 पे, कुछ बच्चों का 70 पे वो पेज खत्म हो गया होगा, तो आप लोग नेक्स्ट पेज में आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7171 7272 7373 7374 7575 साथ साथ रेट कीजिएगा, लिखिएगा भी 7676 7777 7878 78 7979 8080 18। तो चलिए हम लोगों का 80 तक हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं 80 के बाद क्या होता है। 81 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 87 87 87 के बाद क्या हो जाएगा 88 88 89 89 90 90। हो गया 90 तक तो हम लोगों का काम भी हो चुका है, अब हम लोग 91 से स्टार्ट करेंगे। 90 के बाद क्या होगा 91 92 93 94 95 96 97 97 98 98 99 99 100 100। तो ये 100 तक तो हम लोगों का काउंटिंग हो गया, हम लोग साथ साथ रेट भी कर रहे थे तो अब रेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा तो हम लोगों का रिवीजन हो गया, काउंटिंग का काफ़ी टाइम हो गया था तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया 1 to 100। आप लोगों ने भी लिखा होगा, अच्छी राइटिंग में उम्मीद है कि लिखे होंगे। तो चलिए आज का क्लास फिर हमारा यही एंड होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग काउंटिंग अच्छे से, जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं वो प्लीज़ कंप्लीट कर लें, और जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकते हैं वीडियो पर।